आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 8 जनवरी के शुक्रवार की। 8 दिन निकल चुके हैं, सोचिए जरा आप। और हम अभी परमात्मा के या तो दिल में बैठे हुए हैं या तो फिर हम शैतान के दिल में बैठे हुए हैं, और दोनों में एक बस डिफरेंस है। अगर आप शैतान के दिल में बैठे हुए हो तो फिर आपके जीवन में चिंताएं चिंताएं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, बैंक का क्या होगा, बैलेंस का क्या होगा, कपड़ों का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, क्या 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 है, राइट, लाइन ही लग जाती है। लेकिन अगर आप परमात्मा के दिल में बैठे हुए हैं तो इस सारी चिंताएं जो हैं वो घट जाती हैं, क्योंकि परमात्मा आपको एक नया नजरिया दिखाते हैं, एक नया आउटलुक दिखाते हैं, एक नया फ्यूचर दिखाते हैं, जो कि आज इंसान पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन आज दुनियावी चीजों में फंसा हुआ है। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है इस चीज के बारे में। हम बहुत ही शीघ्र इन चीजों को आज हम परमात्मा के खुद के ही शब्दों में समझ जाएंगे। तो परमात्मा पिता कहते हैं आज के वरदान में, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भवा। मस्तक पर कहते हैं ना कि आप किस्मत जो होती है वो हमारे मस्तक पर होती है। मस्तक में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अंदर बैठी हुई एक आत्मा है। आप भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूं। हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारे जो बोल होते हैं, उसके हिसाब से हमारी ये लकीरें बनती हैं। ये एक्चुअली कोई फिजिकल लकीरें नहीं है, ये हमारी सोच की लकीरें हैं। कहते हैं ना कि लकीर उसने लगा दिया, आगे साइन करते समय भी अप्लाई कर लगा देते हैं कि डन। तो अगर हमने कुछ सोचा, हमारे सोचने की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डन। तो परमात्मा कहते हैं बेफिक्र रहने की बादशाही, बेफिक्र रहने की बादशाही, जो कहते हैं बेफिक्र बादशाह, सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए, राजा बन करके उसको तख्त, उसको कोरोनेशन कर दो, उसको आप बैठा दो तख्त के ऊपर, पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे, जो कि आजकल युग में है, तख्त पर बैठना भी आज आसान नहीं है। चाहे आप एक मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हो, चाहे प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन ये बैठना आसान नहीं। ये कांटों की कुर्सियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से चारों तरफ से आपको लोग कांटे ही चुबाते रहते हैं। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं बोलना चाहिए था। तो परमात्मा कहते हैं तो फिक्र तो बहुत रहती है, राइट। फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता, वो तो चिंता की चिता में बैठा हुआ है, वो तो एक अग्नि में बैठ गया। जैसे कि तख्त पे तो छोड़ दो, वो आग नीचे से जल रही है और आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। भाग्य विधाता भगवान ने, अब परमात्मा क्या करते हैं, भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी कि आप मेरे बच्चे हो, आप ये कर्म करो, ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे बोलो, तो आप सत्युग या स्वर्ग में जाने के लायक बन जाओगे या बने पड़े हो। बेफिक्र बादशाह हो गए कि मुझे इस पुरानी दुनिया के ताजो तख्त, धन दौलत, ऐशो आराम की जरूरत नहीं। अगर या तो वो ले लूं मैं, या तो फिर परमात्मा के प्रेम और सुख शांति और उनका बनाने वाला फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर भविष्य में मैं प्रवेश कर लूं, या तो ये कुछ क्षणिक, कुछ समय के लिए ये खुशी और शांति और आनंद और ये सारी चीजें चारों तरफ माया का जाल, या तो फिर परमात्मा का प्लान हमारे लिए, साधारण रहे, सिंपल रहे, नो पॉम्प एंड शो, नो शो ऑफ, कुछ भी नहीं, और हम परमात्मा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहें और अपने आप को स्वच्छ बनाएं और आगे फ्यूचर आने वाले के लिए तैयार करें। तो आप विजनरी हैं कि आप अभी के लिए जीते हैं, इस खुशी के लिए कि इस सदा की खुशी के लिए, वो परमात्मा कह रहे हैं। तो वो लकीर परमात्मा ने खींच दिया, उस लकीर को हम और कितना लंबा खींचना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। सो बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, दुनियावी भाग्य, दुनियावी तख्त, पोजीशंस, पोस्ट पोजीशंस, वो सारी चीजें और दुख लेके आती हैं, क्योंकि आज किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। आप संतुष्ट करना मुश्किल है इस दुनिया में। तो अगर आपके पास पोस्ट है, पोजीशन है, आपके पास धन दौलत है, तो लोग आपसे और इच्छाएं करते हैं, और उन इच्छाओं को अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको उस पोस्ट पोजीशन से ढकेल देते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा के दिल का जो तख्त है, इसकी पोस्ट पोजीशन से आप अपने ही गंदी सोच से गिर सकते हो, निकल सकते हो और अच्छी सोच से बैठ सकते हो। तो कौन सा तख्त सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस तख्त में आप परमात्मा के दिल में बैठ रहे हो, यहां पे आकर के आपको कोई हटा नहीं सकता है, आप खुद ही हटा सकते हो अपने आप को।
यहां लोग आपको हटाएंगे, लेकिन यहां पर आपको कोई हटा नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं, इसी फकुर में रहो तो सब फिकरातें चिंताएं समाप्त हो जाएंगे कि परमात्मा ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसी सोच दे दी, भविष्य का मुझे प्लान बता दिया उनका क्या है इस दुनिया का, जिस कारण से मैं अब चिंता मुक्त, दुनिया भाग रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा प्लान कुछ और है, दुनिया वालों का प्लान कुछ और है, दुनिया वालों का प्लान लंबा नहीं चलने वाला है, तुम मेरे प्लान अनुसार चलो और बहुत सिंपली आगे जीवन में बढ़ते जाओ। तो वो करना कैसे है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में। देखते हुए आपको लोग बोलेंगे यार आप भी तो सेम वही चीज कर रहे हो जो दुनिया वाले लोग करते हैं, आप भी तो वही कर रहे हो, लेकिन नहीं, इसमें रास छुपे हुए हैं, ये अंदर की बात है यहाँ की, कि आप जो कर रहे हो दुनिया के हिसाब से साधारण लग रहा है, दुनिया वाले बोलेंगे हाँ वो भी करता है, ये भी करता है, ये भी नौकरी कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, ये भी कर रहा है सारी चीजें, तो उसमें फर्क क्या हुआ, बहुत फर्क है। ये सीखने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जाएं और इस राज को, रहस्य को, ये अंदर की कौन सी बात है मनोस्थिति की, उसको समझें। इसके साथ हम शांति।